तृणावर्त भेजा, और वो तृणावर्त जो है भगवान को उठा करके, तृणावर्त उसे कहते हैं जो हमारे गांवन में इन दिनों में जो गोल गोल वायु का भवंडर घूमता है, और एक खेत में थे गेहूं को पूरा उठावेगो और दूसरे के खेत में, लेकिन दूसरे के खेत में जिन आए के बाद गेहूं मिल जाए, मिले को कछु नहीं, ऊपर ही ऊपर गेहूं अलग और नरई अलग, ऐसा कर देता है वो। तो ऐसी तृणावर्त है काम, और काम क्या करता है, थोड़ा सा रामायण का पुट लूंगा यहां। जब लक्ष्मण जी मूर्छित भए तो मेघनाथ उनको उठाना चाहता था लक्ष्मण जी को, लेकिन उठे ही नहीं, खूब कोशिश करी, और जैसे हनुमान जी आए मेघनाथ को एक लात मारी, और मेघनाथ हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को हाल उठा लिया। यदि मेघनाथ है काम और हनुमान जी है संत, और लक्ष्मण है भगवान के दास, तो भगवान के दास को यदि काम उठाएगा तो लंका में पटकेगा, रावण की शरण में, मोह की शरण में, समझ में आ रही है ना बात? काम उठाएगा, वासना उठाएगी तो कहां पटकेगी? लंका में, विकारों में, बुराइयों में। और यदि कोई संत उठाएगा तो पटकेगा नहीं, जाके रख देगा राम जी की गोद में, राम से मिला देगा। है हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को राम की गोद में जाके रख दिया। तो ये तृणावर्त काम है, इसके लपेटा में जो भी आया, इस काम के लपेटा में नारद जी आए तो बंदर बन गए, हैं? सुपनखा आई तो बेचारी की नाक कट गई, इस काम के लपेटा में। तो ये लपेटा में लेकर के और उड़ा ले जाता और दूसरी जगह जाके पटकता है, लेकिन भगवान के लपेटा में जे आएगा अब के, हैं? और इस काम का कर दिया गोविंदाय नमो नमः।